मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर है। 2011 से आई एम द डायरेक्टर जनरल फॉर दिस एजेंसी। मैंने 37 साल अमेरिका में काम किया है। आई कैन नॉट रिकॉल ए सिंगल केस वहाँ कभी कोई आई विटनेस की बात करता होगा। एवरीथिंग इज डन बाय फिजिकल एविडेंस। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है ये एक सपोर्ट सर्विस है फॉर द पुलिस। क्राइम लेबोरेटरी का ये मतलब नहीं है कि ये लोगों को जेलों में डालने के लिए बनाई गई है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जो लोगों को एग्जामिनेट करती है। मोटरवे केस जो था, आप लोगों को, मीडिया को सारा पता है कि ये काफ़ी फेमस केस था, लेकर हमारे लिए एक चैलेंज था चूँकि ये अननोन केस था। जब हमारे पास फीमेल के कपड़े और मेडिको लीगल से सारी सैंपल आ गए तो हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो ही हमारे पास आए, चूँकि ये एक रश केस था, 7 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास प्रोफाइल आ गया कि ये जो सस्पेक्ट है ये दो हैं, दो बंदों ने, इट इज़ ए गैंग रेप है जो इस फीमेल को किया गया। ये हमारा पॉलीग्राफ सेक्शन है जी, इसको लाइट डिटेक्शन कहते हैं। 40% पीपल हमारे पास कन्फेस कर जाते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं ना, उस वक्त बॉडी टेम्परेचर राइजेस। अच्छा, वेरी मिनिमम, आपको नहीं पता चलता, वो मशीन डिटेक्ट करती है। सीना आता है, फिर ब्रेन एक्टिविटी है, हार्ट की है, वो सारा, जैसे ईसीजी नहीं करते यहाँ पे, तो ये ऐसे चार्ट भी आता है, फिर ये खुद इंटरव्यू पे भी देखते हैं। सिर्फ पुलिस की कॉल पे जाएंगे, आम शहरी जो है वो हमें नहीं बुला सकता, ना हम जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टाइम लगता है 1.5 घंटे तक हम क्राइम सीन पे पहुँच जाते हैं। हमारे साइंटिस्ट उसको, क्राइम सीन को पूरी तरह प्रोसेस करते हैं, लोगों का इंटरव्यू करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, एविडेंस को सील करते हैं, और टेम्पर प्रूफ सील होती है, चेन ऑफ कस्टडी बनाते हैं। चेन ऑफ कस्टडी बना के वो चेन ऑफ कस्टडी पे पुलिस को रिसीव कराते हैं, फिर पुलिस रिसीव करने के बाद हमारे पास लेके आती है। वो चूँकि हमारी उसके सील लग गई है, अगर किसी ने टेम्पर किया तो वी वुड नो दैट। इस बिल्डिंग के अंदर 14 मुख्तलिफ लैब्स हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। तो एविडेंस जब आती है तो वो जो रिसीवर्स हैं वो आगे रेलेवेंट सेक्शन में ले जाते हैं, और जो एविडेंस हमारे पास आती है उसका पोर्शन हम रखते हैं अपनी एजेंसी में। 35 साल तक हम वो इस यहाँ पे रखेंगे फॉर री एनालिसिस। नूर मुकदम केस में जो जाफर था सस्पेक्ट, उसकी टी शर्ट के ऊपर विक्टिम का ब्लड था, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि विक्टिम ब्लड इज़ ऑन द शर्ट, और नाइफ जो था, जो मर्डर वेपन था, उसके ऊपर विक्टिम का ब्लड था जो इससे रिकवर हुआ। फिर ये था कि जब जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें वैजिनल स्वाब हमारे पास आया, हमें सीमन आइडेंटिफाई किया, सीमन मैच विद दिस सस्पेक्ट, और फिर एक मर्डर और रेप चार्ज एक्स्ट्रा लगा उसके ऊपर, वरना सिर्फ मर्डर ही था। अगर डेटाबेस इंक्रीज कर दिया जाए तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड केसेस कैन बी सॉल्व, और जो इन्वेस्टिगेशन है इट विल एड इन द इन्वेस्टिगेशन विद ए वेरी वेरी पॉजिटिव।